वेल दोस्तों, रूबीना के फैंस, रूबीना दिलायक के फैंस हो जाइए होशियार, रूबीना दिलायक के फैन हो जाइए सकेत, क्योंकि रूबीना दिलायक के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। कौन सी सबसे बड़ी साजिश हो रही है रूबीना दिलायक को हराने के पीछे, आइए हम आपको यही पूरी की पूरी बात जो है पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि रूबीना दिलायक के खिलाफ कौन सी सबसे बड़ी साजिश हो रही है। बीते कुछ दिनों पहले जो है, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए चार सदस्य नॉमिनेटेड थे। चार सदस्यों में से दो सदस्य जो हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर को छोड़कर जाने वाले थे, और उनमें जो है निक्की तंबोली और साथ ही साथ राहुल वैद्य का नाम है, और साथ ही साथ जैस्मिन बसीन और रूबीना दिलायक को जो है सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे एज द वीकेंड का वार। जी हां, सलमान खान ये बातें बोलते हुए नजर आएंगे आज रात के वीकेंड के वार में। लेकिन जो सलमान खान ये एक बात और नहीं बताएंगे वो ये है कि रूबीना दिलायक को जो प्रतिशत मिला है वोटों का आधार जो है, वो जो है उसमें बड़ा हेरफेर किया जा रहा है कलर्स की टीम की तरफ से, एंडमॉल की टीम की तरफ से, बिग बॉस के टीम की तरफ से। अब क्या है बात, हम आपको बता दें कि जो कलर्स की टीम की तरफ से जो वोटिंग ट्रेंड जो निकलकर सामने आया था, उसमें रूबीना दिलायक आगे तो निकल रही थी, नो डाउट रूबीना दिलायक काफी आगे निकल रही थी। और साथ ही साथ हमने देखा कि जब बाकी सारे के सारे पोल ने अपना रिजल्ट सुनाया, तब वोटों का जो गैप है रूबीना दिलायक और दूसरे सदस्य के बीच में, वोटों का जो गैप है वो जमीन आसमान का अंतर था। रूबीना दिलायक काफी आगे निकल गई थी और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पर जो सदस्य था वोटिंग ट्रेंड में, उसे काफी कम वोट मिले थे रूबीना दिलायक के अकॉर्डिंग। लेकिन जब कलर्स की तरफ से जब वोटिंग ट्रेंड सामने आया, तब रूबीना दिलायक को सिर्फ और सिर्फ 29% वोट मिले, और जबकि दूसरे नंबर पर जिस सदस्य हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 28% वोट मिले। यानी कि दोनों में वोटों का जो गैप है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में जो वोटों का जो गैप है, सिर्फ और सिर्फ 1%, ऐसा कह रहे हैं कलर्स वाले। ये बहुत बड़ी साजिश है ना दोस्तों, प्लीज जाग जाइए, प्लीज ऑडियंस जाग जाइए, रूबीना के फैंस जाग जाइए, और भी ज्यादा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी फेवरेट रूबीना दिलायक जो है किसी भी मामले में पीछे रह जाए। रूबीना दिलायक को आप सपोर्ट करते रहे और आप सपोर्ट कर रहे हैं, काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और यह देखकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक ले बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।